ठीक है, सबसे पहला आपका क्या था कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर को हम लोग देखे थे, ठीक है, क्या था ए प्लस बी के होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस 2AB प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, और दूसरा क्या था आपका ए माइनस बी का होल स्क्वायर था, ठीक है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर था, ठीक, तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर में हम लोग जो लाए थे सो क्या था, ए स्क्वायर माइनस 2AB प्लस बी स्क्वायर था, ठीक है। इसी से हम लोग दो और अदर आइडेंटिटीज क्या देखे थे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर देखे थे, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को सबसे पहले हम लोग देखे थे किसमें, ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में, तो इसमें तो फिर इस फॉर्म में क्या आएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और उसके बाद यहाँ माइनस होगा और माइनस 2AB होगा यहाँ से, ठीक है। और फिर इसी का एक और क्या देखे थे फॉर्मूला हम लोग, ए माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में, तो उसमें क्या हो जाता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर और यहाँ पर माइनस जगह पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 2AB होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग चार आइडेंटिटीज को देखे थे लास्ट वीडियो में, ठीक है, और अभी हम लोग दो आइडेंटिटीज और भी देखने वाले हैं, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी को अगर हम लोग एक्सपेंड करते हैं, ठीक है, तब आपको क्या मिलता है रिजल्ट, चलिए उसको हम लोग देखते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी को, चलिएगा एक्सपेंडेशन ऑफ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो यहाँ पर पहले से जो ये दो टर्म दिया हुआ है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म, इसको आराम से मल्टीप्लाई करते हैं और इसको एक्सपेंड करते हैं, तो सबसे पहले इस ए को, ठीक है, ये जो ए आपको दिख रहा है इसको हम लोग इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए इंटू ए माइनस बी लिखेंगे, अब फिर यहाँ से सेकेंड टर्म, ठीक है, प्लस बी को बाहर लाएंगे और इस प्लस बी को जो है फिर से इस पूरे टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इंटू बी इंटू ए माइनस बी होगा ये आपका, ओके। अब इस ए को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इससे ही मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक उसी तरह से इस बी को इससे ही मल्टीप्लाई करेंगे और इससे ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए इंटू ए आपका ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, उसके बाद क्या बताया था, सबसे पहले साइन को मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर क्या प्लस, यहाँ पर क्या माइनस, तो प्लस इंटू माइनस ये आपका माइनस हो जाएगा, उसके बाद ए इंटू बी ये आपका ए बी हो जाएगा इस तरह से, ठीक उसी तरह से सबसे पहले साइन को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस इंटू प्लस ये आपका प्लस ही रहेगा और बी इंटू ए ये आपका ए बी हो जाएगा, फिर से साइन को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस इंटू माइनस ये आपका माइनस हो जाएगा, बी इंटू बी ये आपका बी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ तक ये सही है। और अब देखिएगा ये आपका ए बी माइनस में है और ये आपका ए बी प्लस में, माइनस टू प्लस टू अगर आपको दे दिया जाए तो क्या बोलिएगा, आंसर जीरो होगा, यानी दोनों आपका ये कैंसिल हो जाता है, ठीक है, ठीक उसी तरह से ये माइनस ए बी और ये प्लस ए बी भी आपका क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसके बाद आपके पास क्या मिलेगा रिजल्ट, ए स्क्वायर ये दोनों कैंसिल हो गया, क्या बचा यहाँ माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपको यहाँ से ये मिला। तो आफ्टर ऑल आप ये कह सकते हैं कि सर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वस टू आपको यहाँ से क्या मिलेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिलेगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वस टू आपको क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिलेगा, ये आपका हो गया नंबर फाइव आइडेंटिटीज। तो इस तरह से हम लोग पांच आइडेंटिटीज को देख लिए थे, अब इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट आइडेंटिटीज क्या मिलता है आपको उसको देखिएगा, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, कौन सा, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, ये अभी तक जितना भी आपके पास पांचों था आइडेंटिटीज उससे एकदम से डिफरेंट है, वहां पर क्या था मल्टीप्लीकेशन था, ठीक है, बट सेम दोनों का दो टर्म क्या था, सेम था, और यहाँ पर क्या था प्लस है और यहाँ माइनस, इसके पहले क्या था ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी था, ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी था, जिसको हम लोग क्या बोले थे ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पर क्या प्लस है यहाँ माइनस है, इसमें क्या दोनों यहाँ भी प्लस है यहाँ भी माइनस है, बट यहाँ पर एक्स प्लस ए है और एक्स प्लस टू है, मतलब यहाँ से आपको क्वेश्चन देखेगा सो कैसा क्वेश्चन देखेगा, एक्स प्लस फाइव इंटू एक्स प्लस फाइव इंटू एक्स प्लस सपोज कि टू दिख जाएगा, यानी इसको एक्सपेंड के फॉर्म इसको देखना होगा, ठीक है, यानी इसको एक्सपेंड करना होगा, ठीक, तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पर फॉर्मूला को ड्राइव करते हैं, ठीक है, और देखते हैं रिजल्ट आफ्टरऑल क्या आता है। तो यहाँ भी क्या करने वाले, इस एक्स को पकड़ेंगे और इस एक्स को इस पूरे टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक्स इंटू एक्स प्लस बी हो जाएगा और फिर यहाँ पर प्लस है तो प्लस ए, और फिर इस ए को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स इंटू बी होगा, ठीक है, यहाँ तक। अब इसके बाद देखिएगा, इस x को इसके साथ पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर इस b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो x इंटू एक्स आपका ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और x इंटू बी उसके पहले किसका मल्टीप्लाई करेंगे, साइन का करेंगे, तो प्लस इंटू प्लस आपका ये प्लस हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, एक्स बी लिखने से अच्छा क्या रहेगा, बी एक्स लिखते हैं इसको, बी एक्स।
अब यही काम फिर हम लोग इसके साथ करेंगे, ठीक है। तो x इंटू ए ये आपका क्या हो जाएगा, ए एक्स होगा, और प्लस इंटू प्लस आपका प्लस हो जाएगा, ए इंटू बी ये आपका ए बी होगा। यहाँ पर आपको चार टर्म दिख गया, एक्सपेंड के फॉर्म यहाँ तक तो पहुँच गए, बट इसके आगे आप इसको और भी हल्का सॉल्व कर सकते हैं। इसको देखिएगा, एक्स स्क्वायर हो गया, इस दोनों टर्म को आप अगर ध्यान से देख रहे हैं इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है। कॉमन क्या दिख रहा है आपको, सर इस दोनों में एक्स कॉमन दिख रहा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू यहाँ पर क्या बच गया, बी प्लस ए। इस बी प्लस ए को हम लोग ए प्लस बी भी लिख सकते हैं, अब प्लस ए बी हो गया यहाँ से। तो फाइनली आपके पास जो रिजल्ट मिला है सो क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी। यानी आप ये कह सकते हैं सर एक और नंबर फाइव जो आप रिजल्ट ला करके दिए हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का, वो क्या ला करके दिए हैं, सॉरी नंबर सिक्स हो जाएगा आपका ये, ठीक है, नंबर सिक्स कि एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, मतलब यहाँ भी वेरिएबल है, वही वेरिएबल यहाँ पर है, उसके बाद यहाँ कॉन्स्टेंट है और कॉन्स्टेंट यहाँ भी है, यहाँ कुछ और कॉन्स्टेंट है, यहाँ पर कुछ और कॉन्स्टेंट है, और दोनों जगह प्लस है, तो इक्वस टू क्या मिलेगा आपको, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू ए प्लस बी प्लस ए बी इंटू के फॉर्म। ये हो गया आपका नंबर सिक्स अलजेब्रिक आइडेंटिटीज इस तरह से। तो इस तरह से हम लोग अभी तक में छह आइडेंटिटीज को देख चुके हैं, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। चलिएगा, क्वेश्चन क्या है आपके सामने कि एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग्स, इसके आपके पास यहां पर पांच क्वेश्चन है, इसको क्या करना है, एक्सपेंड करना है, ठीक है। नंबर वन अगर यहां पर देखा जाए तो फर्स्ट नंबर में क्या है, रूट अंडर टू एक्स माइनस थ्री वाई, रूट अंडर टू एक्स माइनस थ्री वाई, और इसका क्या करना है, होल स्क्वायर, और इसको एक्सपेंड करना है। तो आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है सर, इसको अगर हम ए बोल दें, इस रूट टू इंटू एक्स को क्या बोलते हैं, ए माइनस थ्री वाई को बी, ये साफ साफ किस पर सेट होते हुए दिख रहा है आपको, ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर। तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर का यदि आपको फॉर्मूला याद है तो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी, देखिएगा ए स्क्वायर माइनस टू ए बी, अब प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, ये बी स्क्वायर होगा। तो ए का काम यहाँ पर कौन कर रहा है, रूट टू इंटू एक्स, ए का काम यहाँ पर कौन कर रहा है, रूट टू इंटू एक्स, माइनस ये थ्री वाई किसका काम कर रहा है, बी का। तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर यहाँ पर बस ए और बी जिसको आप बोले वही वैल्यू यहाँ पर पुट करते चले जाएंगे। पहले क्या, ए का स्क्वायर मीन्स क्या, रूट टू इंटू एक्स का स्क्वायर, रूट टू इंटू एक्स का स्क्वायर, ये क्या हो गया आपका ए स्क्वायर, माइनस टू ए बी। तो टू ए के जगह पर क्या लिखेंगे, इस रूट टू इंटू एक्स लिखेंगे ब्रैकेट में, ठीक है, रूट टू इंटू एक्स। बी के जगह पर क्या लिखेंगे, तो रूट सॉरी थ्री वाई, क्या लिखेंगे यहाँ पर, थ्री वाई लिखेंगे, हो गया। उसके बाद क्या है, प्लस बी स्क्वायर, तो प्लस बी, इस बी के जगह पर क्या लिखेंगे, थ्री वाई लिखेंगे, ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पर, थ्री वाई, और इसका स्क्वायर कर देना है। और अब इसके बाद देखिएगा, रूट टू का स्क्वायर क्या मिलेगा आपको, टू इंटू एक्स स्क्वायर, यानी कि इस पूरे को यदि आप स्क्वायर करते हैं तो क्या मिलेगा, टू एक्स स्क्वायर। कैसे, सो देखिएगा, रूट टू रूट ए इंटू रूट ए, ये क्या मिलता है यहाँ से, वैसे रूट टू इंटू रूट टू क्या मिलेगा, टू। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है यहाँ पर, रूट टू का स्क्वायर क्या मिलेगा आपको, टू, टू का स्क्वायर, ठीक है, टू इंटू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर सबसे पहला काम क्या करते हैं, कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई करते हैं, टू इंटू थ्री सिक्स, और सिक्स इंटू रूट टू, यह आपका क्या हो जाएगा, सिक्स रूट टू। अब वेरिएबल में क्या क्या आपको यहाँ पर x है और y है, इनटू में क्या हो जाएगा, एक्स वाई प्लस थ्री का स्क्वायर नाइन, y का स्क्वायर y स्क्वायर, तो नाइन वाई स्क्वायर। बस यही हो गया आपका क्या, एक्सपेंड फॉर्म में किसका, रूट टू इंटू एक्स माइनस थ्री वाई के होल स्क्वायर का एक्सपेंडेशन फॉर्म क्या हो जाएगा, टू एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स रूट टू एक्स वाई प्लस नाइन वाई स्क्वायर। यह था आपका नंबर फर्स्ट। नंबर सेकेंड देखिएगा क्या आपका यहाँ पर, एक्स बाय टू माइनस वाई बाय थ्री का होल स्क्वायर। नंबर सेकेंड आपका क्या है, एक्स बाय टू माइनस वाई बाई थ्री का होल स्क्वायर। तो यहाँ भी हम लोग यही काम क्या करेंगे, ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर इसको सेट करेंगे, ठीक है। एक्स बाय टू ये आपका क्या हो जाएगा, पूरा ए हो जाएगा, ठीक है, एक्स बाय टू ये पूरा ए, और बी का काम यहाँ पर कौन कर रहा है, वाई बाई थ्री कर रहा है। तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर भी इसको सेट कर देंगे। तो ए स्क्वायर सबसे पहले मिस क्या, एक्स बाय टू का स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज ए स्क्वायर माइनस टू ए बी। तो टू ए का काम कौन कर रहा है, एक्स बाय टू, तो x बाई टू, टू ए इंटू बी का काम कौन कर रहा है, वाई बाई थ्री इंटू वाई बाई थ्री, तो माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर मीन्स क्या, इस वाई बाई थ्री का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, वाई बाई थ्री हो जाएगा आपका ये, इसका स्क्वायर कर दिए। अब देखिएगा इसको हम लोग फिर यहाँ से थोड़ा सा और एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, तो x बाई टू है तो ये आपका इसका स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई फोर,
ठीक है, कैसे देखिएगा, यदि यहाँ पर a बाय बी के फॉर्म में है और इस तरह से हम लोग स्क्वायर करते हैं, तो ऊपर भी स्क्वायर होता है, नीचे में जो है इसका भी स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर हो जाता है, दोनों स्क्वायर दोनों के जगह जाता है, दोनों के पास जाता है, ठीक है। और इंटू में भी यही कुछ होता है, ठीक है, ए इंटू बी, और इस पूरे का स्क्वायर है तो ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर होता है। और प्लस माइनस का तो हम देख ही लिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या मिलता है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर कभी भी आप ऐसा मत सोचिएगा इंटू डिवाइड की तरह कि सिर्फ और सिर्फ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, जिन इसके साथ में प्लस टू ए बी भी होता है, ठीक है। और सिर्फ वो चीज़ सिर्फ और सिर्फ कहाँ होता है, डिविजन में और मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय फोर, टू का स्क्वायर फोर, माइनस यहाँ पर सबसे पहले किसको मल्टीप्लाई करेंगे, कॉन्स्टेंट को, आप देखिएगा ध्यान से, टू इंटू इसके साथ एक्स बाय टू अगर लिखा हुआ, तो इसके साथ अगर हम बोले कॉन्स्टेंट क्या है, तो वन बाय टू इंटू एक्स आपको बता चुके हैं, तो टू इंटू वन बाय टू इंटू वन बाय थ्री, अब वेरिएबल क्या सब रह गया है, एक्स इंटू वाई, ये आपका वेरिएबल रह गया, प्लस वाई स्क्वायर बाय नाइन, यहाँ से ये टू और ये टू कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये टू और ये टू कैंसिल हो जाएगा, आपको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर बाय फोर माइनस एक्स इंटू वाई बाय नीचे में क्या बचा हुआ, थ्री, और प्लस वाई स्क्वायर बाय नाइन। इसको हम लोग कुछ इस तरह से एक्सपेंड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा है, थ्री आपका, ये किस पर सेट होता हुआ आपको दिख रहा है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर, या फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, या फिर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सर इस तीनों में से किसी पर भी सेट होता हुआ नहीं दिख रहा है। एक लास्ट जो आप बताए थे सिक्स नंबर का आइडेंटिटी, शायद उस पर ये सेट होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट ये है कि सर उस फॉर्मूला में आप क्या बताए थे, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी बताए थे, और उस प्लस बी के जगह पर यहाँ पर क्या दिख रहा है, माइनस बी दिख रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको हम लोग प्लस के रूप में देखेंगे, ठीक, इसको हम लोग प्लस के फॉर्म में देखना अभी हम लोग इसको प्लस के फॉर्म में देखेंगे, कैसे देखेगा सो देखिएगा, हम लोग फॉर्मूला बस एक ही पढ़ते हैं क्या, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी वाला, ठीक है, और यहाँ पर माइनस दिख रहा है, जिसको आप देखिए प्लस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो एक्स प्लस फाइव इंटू एक्स माइनस थ्री यहाँ पर लिखा हुआ है, एक्स प्लस फाइव इंटू एक्स माइनस थ्री, और हम लोग फॉर्मूला यहाँ पर क्या जानते हैं सर, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू क्या बताए हुए थे कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू ए प्लस बी प्लस ए बी, बट यहाँ पर इस प्लस के जगह पर क्या दिख रहा है, माइनस दिख रहा है। तो देखिए एक चीज़ बात यहाँ पर ये यह है कि अगर हम आपको ऐसा लिख करके दें कि x माइनस फाइव, और एक लिख करते हैं क्या x प्लस, और यहाँ पर ब्रैकेट में माइनस फाइव, दोनों एक ही चीज़ है या नहीं बताइएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको यदि आप सॉल्व करिएगा, चलिए x को मारिए गोली भी, ठीक है, यहाँ पर रखिए सिंपल क्या, टेन, टेन माइनस फाइव, और यहाँ पर क्या, टेन प्लस इंटू ब्रैकेट माइनस फाइव, तो यहाँ से यदि आप ब्रैकेट को खोलते हैं तो क्या मिलेगा, प्लस इंटू माइनस, तो टेन माइनस फाइव हो गया, और यहाँ भी क्या है, टेन माइनस फाइव, तो यदि आपको यहाँ प्लस से काम है, ठीक, यदि आपको यहाँ प्लस से काम है तो आप उसको क्या बोलते हैं, माइनस को ब्रैकेट के अंदर रख सकते हैं, उस माइनस को जो है ब्रैकेट के अंदर आप रख सकते हैं, इस माइनस को जो है ब्रैकेट के अंदर रख सकते हो, प्लस का काम कर सकते हैं, ठीक, उसी तरह से हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं क्या, एक्स प्लस फाइव, एक्स प्लस फाइव इंटू, अब देखिएगा यहाँ पर माइनस है तो एक्स प्लस से हमको मतलब है, तो प्लस को लिख लेंगे, ठीक है, और इस माइनस थ्री को हम लोग कहाँ रखेंगे, ब्रैकेट में, तो माइनस थ्री कुछ इस तरह से हो जाएगा। और अब जाकर देखिएगा आपको इस फॉर्मूला पर सेट होता हुआ दिख रहा है कि नहीं, ये आपका एक्स तो एक्स ही हो गया अब प्लस ए इंटू, ये आपका एक्स तो एक्स ही हो गया प्लस बी, अब देखिएगा यहाँ पर कि ए का काम कौन कर रहा है, फाइव, और अब जाकर इस बी का काम कौन कर रहा है, तो माइनस थ्री काम कर रहा है, इस बी का काम कौन कर रहा है, माइनस थ्री, तो बस कुछ नहीं उसी फॉर्मूला पर इसको पुट कर देते हैं, तो इसके बाद यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको कि एक्स स्क्वायर है ही एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू, यहाँ पर क्या ए प्लस बी है, तो ए मिस क्या फाइव, ठीक है, अब प्लस बी मिस क्या माइनस थ्री, तो प्लस बी, और इस तरह से ए प्लस बी पूरा पूरी आपका माइनस थ्री आ गया, ठीक है, फिर लास्ट में क्या ए इंटू बी, ए का काम कौन कर रहा है फाइव, बी का काम कौन कर रहा है माइनस थ्री, इस तरह से। तो अब फिर आगे इसको सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और ये प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, तो फाइव माइनस थ्री, अब प्लस फाइव इंटू माइनस थ्री आपका कितना देगा लेकर, माइनस फिफ्टीन हो जाएगा यहाँ से। इसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस फाइव माइनस थ्री टू, तो टू एक्स माइनस फिफ्टीन, तो यहाँ से आपको क्या मिल गया इसका एक्सपेंडेशन कि एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस फिफ्टीन किसका एक्सपेंडेशन फॉर्म है, ये
एक्स प्लस फाइव इंटू एक्स माइनस थ्री, इसको हम लोग किसके ऊपर, किस आइडेंटिटीज के ऊपर हम लोग इसको सेट किए थे, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी के फॉर्म इसको हम लोग देखे थे, सेट किए थे, और यहाँ से हम लोग इसको एक्सपेंड फॉर्म इस तरह से कन्वर्ट किए थे। इसके बाद देखिए नंबर फोर आपका क्या है, टू एक्स प्लस वाई इंटू टू एक्स माइनस वाई है। यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा है सर, यहाँ भी ए है यहाँ बी है, यदि आप इसको ए इसको बी बोलते हैं तो यहाँ भी वही ए है वही बी है, बट यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस, दोनों इंटू में है, यानी कि आप इसमें इसको ऐसे देखिएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए का काम कौन कर रहा है टू एक्स, बी का काम कौन कर रहा है वाई, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ये आप लोग कर लीजिएगा। नंबर फाइव यहाँ पर क्या है, ए माइनस जीरो पॉइंट वन इंटू ए प्लस जीरो पॉइंट वन, यहाँ भी क्या दिख रहा है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर लीजिएगा, तो यहाँ से भी आपका एक किस पर सेट हो रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर मिस ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पर क्या माइनस बी की जगह पर क्या लिखेंगे जीरो पॉइंट वन लिखेंगे, तो माइनस जीरो पॉइंट वन का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। इसको आप लोग एक स्टेप और आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस 0.1 का आप स्क्वायर करिएगा, मतलब क्या 0.1 इंटू 0.1 करिएगा तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा 0.01 मिलेगा, ठीक है, तो कुछ इस तरह से ये आपका सॉल्व हो गया। तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर आगे हम लोग देखते हैं और भी कुछ क्वेश्चंस को।